देश में लगातार बढ़ते ट्रेन हादसे चिंता का विषय बने हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले से ट्रेन हादसे की एक खबर सामने आई। दरअसल विजयनगरम जिले के कांतकपल्ले में रविवार की शाम दो पैसेंजर ट्रेनों में टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आई। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल यहां विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन ने करीब शाम 7 बजे विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन को पीछे से टक्कर मार। इस वजह से उसके 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इससे पहले भी देश में इसी साल कई बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। इसी साल जून में हुआ ओडिशा ट्रेन हादसा दिल दहला देने वाला था। उस ट्रेन हादसे में करीब 300 लोगों की मौत हो गई और 900 के करीब लोग घायल हुए। उसके बाद जून महीने में ही पश्चिम बंगाल के बांकुंडा में एक और ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। उसके बाद पिछले दिनों ही आगरा में ट्रेन हादसा हुआ जिसमें ट्रेन की कुछ बोगियों में आग लग गई। वहीं आपको बता दें कि बीते कल विजयनगरम जिले में हुए ट्रेन हादसे के पीछे की वजह मानवीय गलती को बताया गया है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि यह हादसा मानवीय भूल का नतीजा था और लोको पायलट ने सिग्नलिंग पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल ओवरहेड केबल कट जाने की वजह से विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। इसी वक्त उसी पटरी पर पीछे से विशाखापट्टनम पल्सर पैसेंजर ट्रेन आई और उसने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बोगी तो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना को लेकर मंडल रेल प्रबंधन ने बताया कि इस हादसे में पैसेंजर ट्रेन के 3 कोच को नुकसान पहुंचा है। वहीं भारतीय रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन उखड़ गई है जिसके चलते पूरा इलाके में अंधेरा हो गया है। राहत एवं बचाव कार्य में जुटे लोगों को इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने 13 ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट और टर्मिनेट किया है। रेलवे का कहना है कि इस हादसे की वजह से ट्रैक ब्लॉक हो गए हैं जिन पर अभी मरम्मत का काम चल रहा है जिसकी वजह से यहां से ट्रेन गुजर नहीं सकती। वहीं इस मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने घटना पर दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। CM ने अपने राज्यों के मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है जबकि अन्य राज्यों के मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर हालात का जायजा लिया। PM ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने पीड़ितों के लिए हर संभव मदद करने का ऐलान भी किया। PM मोदी ने PMNRF से ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं PM कार्यालय ने बताया कि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हादसे के बाद रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसके जरिए हादसे में घायलों की जानकारी ली जा सकती है। विजयनगरम जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए अपने ऑफिस में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। इस कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर 9493589157 है। इसके अलावा यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए भी हेल्पलाइन नंबर 89780800006 भी जारी किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।